हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ मैं आज आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग लेकर। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। और आज आए हैं हमारे पापा, और मैं आपको मिलाता हूँ पापा से। अभी आए पापा थोड़ी देर पहले। ये देखिए, ये है पापा। पापा कितने बजे आए? 7 बजे। 7 बजे आए? और घर सब ठीक है घर में? अच्छा। और ज्योति लोग? कमल क्या कर रहा? कमल कुछ नहीं कर रहा, अभी तो घर में। उसका कब आ रहा है आर्मी से लेटर? आ जाएगा 1-2 महीने। 1-2 महीने में आ जाएगा? अच्छा। और तबीयत ठीक है? दांत दर्द हो रही। दांत दर्द हो रही? चलो दांत दिखाऊंगा फिर तुम्हारा। तो फ्रेंड्स, पापा यहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए हैं। अभी वो कर रहे हैं थोड़ा आराम रेस्ट, क्योंकि अभी वो आए बाहर से। धूप काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी गर्मी हो रही थी यहाँ पर। तो आज पापा से मैं करता हूँ थोड़ी सी बातचीत। देखिए, आज मैं पूछूंगा कि पापा की पिछली ज़िंदगी कैसी रही, तो पापा बताएंगे आज अपने बारे में। तो आइए सुनते हैं पापा की हम खास बातचीत पापा के साथ। बने रहिए वीडियो में अंत तक, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है हमारी आज की ये वीडियो। तो आइए मैं पूछता हूँ पापा से, पापा आपने पढ़ाई कितनी करी थी? हाँ, करी पढ़ाई। पढ़ाई जो करते थे आज कहीं होते। क्यों, पढ़ाई क्यों नहीं करी? पहले तो पढ़ाई का इतना साधन नहीं था, इसी तरह गरीबी ठहरी पहाड़ों में। स्कूल कितने दूर था? स्कूल था 5-6 किलोमीटर दूर था। बाप रे, इतने दूर। तो पैदल जाते होगे फिर? पैदल जाते थे, हाँ। अच्छा, तो उस समय में तो कुछ मिलता भी नहीं था ना पढ़ाई के लिए, ज़्यादा साधन वगैरह कुछ भी नहीं मिलता था। उसमें क्या मिलता था? कुछ भी नहीं, सब कुछ देना ठहरा खुद ही। हाँ, और फीस कितनी थी उस समय आप लोगों की? फीस तो कम ही थी, मतलब पैसा ठहरा नहीं उस टाइम पर। कमाने में पैसा तो बहुत मुश्किल था, पैसा नहीं था। सारे के सारे सब लोग इस गांव से, कितने लोग स्कूल जाते थे तुम? जो लोग स्कूल गए पढ़ाने, वो अपने नौकरी पे हैं अच्छी अच्छी अच्छा। तो वो घर से कैसे थे? घर से गरीब थे? अच्छे थे? गरीबी जरा अच्छे थे, उनके परिवार में जरा था, उन्होंने पढ़ लिया था, वो बाहर निकल गए। कोई फौज में भर्ती हो गया, कोई पुलिस में हो गया। अच्छा, तो स्कूल कितने लोग जाते थे तुम? 5-6 लोग थे। 5-6 लोग ज़्यादा होंगे? ज़्यादा गाँव ही नहीं है हमारे यहाँ, तुमको देखा ही है। अब तो बढ़िया हो गया, हमारे गाँव में रोड आ गई है। 5-6 लोग जाते थे? कभी लड़ाई झगड़े भी होते होंगे ना आपस में? क्यों नहीं, अब तो होने वाला रहा। अच्छा, तुम्हें देखो तो लग रहा तुम सबसे ज़्यादा खतरनाक हो गए। जीतता कौन था? लड़ाई लड़ाई होती थी तो यार जी, कोई भी जीत जाएगा, लड़ाई ठहरी हो। तो तुमने कभी वैसे पढ़ाई कितनी करी फिर? हाँ, करी ऐसी करी, 8-10 तक। 10 तक पढ़ा है? अच्छा, तो फिर कोई सरकारी नौकरी के लिए उस समय तो मिल जाती थी, ट्राई नहीं करा? ट्राई किया, घर में काश्तकारी बहुत थी तो नहीं हो पाया। अच्छा, बाहर जाने के लिए उस टाइम पर हो ही जाता था खाने के लिए। अब तो हमारे गांव में अच्छा हो गया, रोड आ गई है। हाँ, आजकल पढ़ाई के लिए भी गवर्नमेंट बहुत कुछ दे रही है, बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं। फिर आपकी शादी कितने साल में हो गई थी? मेरी शादी हो गई थी 20 साल में करीब। मेरी 20 साल में हो गई थी? अरे बढ़िया, जल्दी शादी कर देते थे। अच्छा, इसलिए। और आप गाय बच्चा वगैरह भी पालते थे? हाँ, गाय बच्चे, घोड़े। पहले थे हमारे, घोड़ों में सामान जाता था, अब तो रोड आ गई है। पैदल पैदल जाते होंगे? घोड़े थे 5-6 गाँव में। जंगल तो बहुत बड़ा है वहाँ? जंगल जंगली है पूरा। हाँ, जंगल के बीच में बसा है, सब्जी अच्छी होती है वहाँ पर। हाँ, सब्जी के लिए उपजाऊ है ना, पानी वगैरह है, गर्मी में की सब्जी बहुत बढ़िया होती है। सब्जी में क्या क्या हो जाता है? सब्जी में सभी को देता है, मक्का, ये गोभी, फूल गोभी। अच्छा, मटर, पालक, मैसूर वहाँ का पालक और मेथी है। अच्छा, मेथी और पालक, फूल गोभी। तो ये भेजते कहाँ, उसे अल्मोड़ा या इधर को? यहाँ हल्द्वानी आता है, मंडी में आता है, वहाँ ही बिक जाता है। अच्छा, अब तो खुद ही गाँव से भी बिक जा रहा है, उसे तो खरीदा गाँव में भी आ जा रहे हैं। अब विकास होते जा रहा है। तो दादाजी लोग क्या करते थे? दादाजी लोग कोई काश्तकारी करते थे। अच्छा, तो वो अपने टाइम में तो बहुत तगड़े वो होंगे ना। अच्छा, खान पान उस समय तो खान पान भी अच्छा, दही दूध वगैरह सब कुछ घर का था। दही दूध काफ़ी होता होगा? हाँ, 2-3 दिन भैंस थी घर में। हैं, 2-3 दिन भैंस? अच्छा, अब तो है ही नहीं शायद। अब कहाँ है, अब कौन पाल रहा, गाय बच्चे को पालने में अभी तो है समय। हाँ, पालता नहीं है ना। जंगली जानवर का ज़्यादा हो गया ना, बाघ वगैरह ज़्यादा आते हैं। अच्छा, जंगली जानवर भी हैं? अच्छा, और वहाँ का मौसम कैसा है? मौसम तो बढ़िया है हमारे वहाँ का, ठंडा भी, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ज़्यादा गर्म भी नहीं।
तो अभी आप आराम कर लो, फिर शाम कल ले जाऊंगा मैं आपको हॉस्पिटल दिखाने। दांत में दर्द ज़्यादा हो रहा क्या? ज़्यादा तो नहीं हो रहा, मतलब दर्द रहता ही है, चलो तोड़वा ही लेते हैं, क्या है, निकालने को बोल रहा डॉक्टर, निकाल लेते हैं फिर। चलो ठीक है, अभी आराम कर लो फिर। तो फ्रेंड्स ये थी छोटी सी एक पापा से उनके जीवन के बारे में बातचीत। मैंने अभी ज़्यादा तो करी नहीं क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं, और पापा अभी थोड़ा सुस्त हो रहे हैं, गर्मी काफ़ी हो रही है, इसलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, इंतज़ार कीजिए मेरे नए ब्लॉग का, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।